लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हम लोग स्वाधीनता की 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लोकतंत्र की तरफ पूरी दुनिया का एक प्रेरणा के रूप में एक ध्यान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो चार स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक स्तंभ है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट इम्पार्शल एंड फेयर जुडिशरी, ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। दूसरी जो हमारी स्तंभ है वो है एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रशासन को चलाते हैं, वो हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट की बात आदरणीय जोशी जी कर रहे थे, उसको अगर इस देश में कायम रखना है तो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोकतंत्र का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है। और चौथा जो पिलर है वो है हमारा संसदीय लोकतंत्र, हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारी विधानमंडल विधायिका, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसके आधार पर यह लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से ये कहना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है, तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ क्या है ये एक बार हम सबको विचार करके सोचना होगा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन को सस्टेनेबल करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, उसी से समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना, ये लोकतंत्र का मकसद है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। जो कानून लिखा जाता है वो लेटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिट। और ये लोकतंत्र का स्पिरिट समझकर आप जैसे प्रमुख लोग इस लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समाज की, व्यक्तियों की, नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसका ये प्रभावी माध्यम है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होगी, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण जो है, पावर पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण का पर्यायी शब्द है राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पर आजकल हमारे सौभाग्य से बोलो, दुर्भाग्य से बोलो, किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति, और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है, पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा फिलॉसफी श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे, हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता को मुक्ति देना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सर्विस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, जो जो ऐसे फील्ड है जिसमें से समाज का कल्याण हो सकता है उसमें हमें परिवर्तन करना है। जो अपेक्षाएं गुलाब जी ने और आदरणीय जोशी जी ने व्यक्त की है वो यही है एक वाक्य में कि दे, उनका कहना यही है कि हमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए।
पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूं कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। विचारधारा से दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करना ये लोकतंत्र का आस्था है, आत्मा है। अलग अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे विचार अलग होने के बाद भी लोकतंत्र के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, गरीब के कल्याण के ऊपर तो मतभेद नहीं हो सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का आत्मा जो है वो क्या है और लोकतंत्र में राजनीति का सही अर्थ क्या है जिसके लिए हम आए हैं, ये हमें सोचना होगा। दोष जनता को देकर नहीं चलेगा जी, हमें हमारे तरफ देखना होगा। हम जितने अच्छे होंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा। प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन से पार्टी के, कौन से विचारधारा के हैं। हमारी विचारधारा हमारे साथ है और उससे हम लॉयल रहना चाहिए। विचारधारा के साथ इसलिए लॉयल रहना चाहिए कि उस विचारधारा के आधार पर हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प हमने किया है। अलग अलग मार्ग है, कोई कहता है कि हम इस मार्ग से जाएंगे, कोई कहता है इस मार्ग से जाएंगे, उसको अधिकार है, जनता की अदालत में वो निर्णय करेगी कि कौन से मार्ग से हमको जाना है। और लोकतंत्र ने अधिकार जनता को दिया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इस बात का आदरणीय जोशी जी और गुलाब जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा चाल चलन व्यवहार और चरित्र कैसा है, इसी पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। क्या हमारे, मैं मानता हूँ कि राजनीति में बहुत से कंस्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो चुनकर आना, और चुनकर आने के लिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये तो है, पर इसमें भी अपनी बात को, अपनी विचारों को कायम रखते हुए लोगों की भी जीत, लोगों की भावना को जीत कर आगे जाना, दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। और लीडरशिप तो ये इम्पॉर्टेंट होती है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी प्रतिष्ठा मिलती है तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ।